गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आज फिर आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। देखिए वार्ता का विषय बताऊँ या थंबनेल बताऊँ उससे पहले आपसे निवेदन करूँ कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और देखिए जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखें तो भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएँ। तो मित्रों आप मेरा ये प्रोग्राम चंद्र राशि से, लग्न राशि से या नाम राशि से देख सकते हैं। अब देखिए मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ। मैं एक चर्चा कर रहा था कुछ यानी जो अभी अब से लेकर आज से ही मान लीजिए और 31 दिसंबर तक, यानी अब मान लीजिए 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक ये साल का जो बाकी एंड बचा है टाइम, जितना भी टाइम रहेगा करीब 1.5 महीना, इस टाइम में कौन राशि को कौन ग्रह क्या फल दे रहा है। तो प्रेजेंट ग्रह गोचर जो परिवर्तन हो रहे हैं राशियों के, अभी हुए और होंगे भी आगे, अभी इससे कौन कौन राशि को लाभ मिल रहा है, तो ये चर्चा करते 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 मैं देखिए अब अभी जो है आ गया वृश्चिक राशि पर। मैं तुला राशि तक चर्चा कर चुका हूँ तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए मैं चर्चा करूँगा अब, और ये देखूँगा कि अब जो बाकी टाइम रह गया वो वृश्चिक राशि के लिए कैसा लाभ मिल रहा है, कैसा धन मिल रहा है, कैसा सुख मिल रहा है, कैसा संतान को लाभ मिल रहा है या क्या। तो अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए बताऊं मैं अभी क्या ग्रह गोचर कहता है। देखिए वृश्चिक राशि 8वें नंबर की राशि, लग्न में 8वें नंबर की राशि है, तो लग्न में देखिए 8वां भाव यानी पहले भाव में 8वीं राशि आ गई। अब 8वीं राशि में देखिए अभी क्या हुआ, 6 नवंबर को बुध आए और 16 नवंबर को कल मंगल आए और 17 नवंबर को आए सूर्य भी आ गए। तो सूर्य मंगल बुध तीन ग्रह त्रिग्रही राजयोग बन गया वृश्चिक राशि के लग्न भाव में। तो इन तीन ग्रहों का हम फल देखेंगे अभी। तो यानी ये जो है अभी इस समय तीनों ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो तीन ग्रह जब लग्न में बैठेंगे, और देखिए मंगल भी है यहाँ पर, मंगल का मतलब मंगल अपने घर में केंद्र में पहले भाव में, तो मंगल ने रोचक महापुरुष राजयोग बना दिया। रोचक महापुरुष राजयोग, मंगल का बहुत अच्छा राजयोग होता है जो बहुत धन धान्य देता है। मंगल बड़े प्रसन्न होकर के अपने घर में, और मंगल देखिए राजा सूर्य का स्वागत कर रहे हैं अपने घर में, तो राजा और मंगल और राजकुमार यानी युवराज बुद्ध तीनों मिलकर के वृश्चिक राशि को तो देखिए वाह वाह बल्ले बल्ले, यानी लग्न को जातक का शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट बलवान एक्टिव और बहुत ही मतलब सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत तरक्की, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा लाभ। पर दाम्पत्य जीवन में यही ध्यान रखना है कि सूर्य मंगल दोनों हालांकि सेनापति राजा अच्छे हैं देख रहे हैं, पर अपनी वाणी पर कंट्रोल लगेगा क्योंकि दाम्पत्य जीवन में वाणी और मीठा बोलना बहुत लाभ देता है। अगर आप में ईगो आ गई और आपकी वाणी प्रखर हो गई, आपको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने घर को अच्छा रखना है तो भाई वाणी को थोड़ा अच्छा रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों ये टाइम जो आपका जब तक ये यहाँ रहेंगे, अभी एक्सचेंज जब बदलेंगे बाद में तो आप देख, अभी तो जो है मैं बता रहा हूँ कि अभी तो आए तीनों ग्रह और यहाँ बैठ गए लग्न में, तो उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाभ हो गया ना आपको। और देखिए इसके साथ साथ जो है और जो है आपके दूसरे ग्रह बताऊँ यानी शुक्र, शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह देखिए अभी तो शुक्र कन्या राशि में है केतु के साथ, और कन्या राशि का मतलब लाभ भाव में, ग्यारहवें भाव में कन्या राशि ग्यारहवें भाव में है। तो अभी शुक्र जो है अब से यानी जितने भी 17 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक खूब धन की बारिश करेंगे और लाभ भाव में लाभ ही लाभ है। काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी हैं शुक्र, और यहाँ देखिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं,
तो लाभ का मतलब धन होता है। लाभ भाव में बैठ करके 30 नवंबर तक, और यहाँ से देखेंगे वो देखिए पांचवें भाव को भी, पांचवें भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में। राहु और शुक्र दोनों देखिए दैत्य और दैत्य गुरु, राहु दैत्य और शुक्र दैत्य गुरु, तो दोनों का अच्छे संबंध है, अच्छी दोस्ती है, तो अच्छी तरह से दोनों मिलकर धन देंगे, सुख देंगे, संतान को सुख देंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, सब कुछ। राहु राहु पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, तो और देखिए राहु जो है बृहस्पति के घर में है, बृहस्पति के कंट्रोल में है, और बृहस्पति खुद जो है चौथे भाव में बैठे हुए, सॉरी बृहस्पति अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं, और बकरी बृहस्पति हैं तो छठे भाव से अपनी मीन राशि को बल देंगे, बैक राशि है तो उसमें, यानी राहु को अपने घर में बृहस्पति, बृहस्पति के समझ लो हुक्म में राहु इस समय, अब तो जो बृहस्पति चाहेंगे वही होगा। तो भाई राहु और शुक्र मिल करके लाभ भाव से और पंचम भाव से बहुत ही श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। पर देखिए शुक्र जो है 30 नवंबर को आ जाएंगे अपनी तुला राशि में, पर बारहवें भाव में, तो बारहवें भाव में शुक्र आकर के देखिए धन तो देंगे कि तुला राशि में आगे, पर विदेश से देंगे धन, ये बारहवें भाव विदेश का भाव है, धन तो आएगा और धन का आएगा भी तो धन का खर्चा भी होगा, कि विदेश जाने आने में खर्चा, विदेश में कोई काम करने में, सेट करने में, व्यापार में धन का खर्चा तो होगा। और शुक्र देखिए वहाँ से वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति को देख रहे हैं कहाँ छठे भाव में, और बृहस्पति देख रहे हैं बारहवें भाव को, तो भाई वृश्चिक राशि वालों बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है बारहवें पर, तो खर्चा तो होगा, आपका धन का क्षय होगा, धन का बीमारी में खर्चा हो, अस्पताल में खर्चा हो, विदेश में जाने में खर्चा हो, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है बारहवें पर, और शुक्र भी वहाँ आ जाएंगे 30 तारीख के बाद। तो 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक जब तक शुक्र वहाँ रहेंगे भाई धन का तो खर्चा होगा ही होगा, और बृहस्पति तो यहाँ रहने ही रहने हैं, तो बृहस्पति की आपको देखिए कोई काम में बैंक ऋण है तो चुकता हो जाएगा, लोन वोन जो आपको चाहिए तो मिल जाएगा, वो अलग बात है, आपको बीमारियों में भी देखिए खर्चा हो सकता है आपका, बस बीमारी ऐसी हो सकती है आपको, तो बीमारी हो सकती है, विदेश जाने में खर्चा हो सकता है, विदेश व्यापार में खर्चा हो सकता है, खर्चा तो होना है भाई। और लेकिन जब शुक्र आ जाएंगे कहाँ पर, नहीं शुक्र तो तुला राशि में आगे 25 दिसंबर तक ही रहेंगे, पर 25 दिसंबर के बाद आ जाएंगे लग्न में, तो फिर थोड़ा सा लग्न में आकर के शुक्र जो जातक को फिर सुंदरता सौंदर्य चीजें जातक को मोहित करने वाली पर्सनैलिटी, गजब की पर्सनैलिटी जो सब लोग देखते हैं क्या गजब की पर्सनैलिटी है, शरीर को अच्छा बनाएंगे। और 25 दिसंबर यानी साल के एंड की लास्ट 5-6 दिन लग्न में बैठ करके, और आपके देखिए अपनी राशि को देखेंगे वृषभ राशि को व्यापार भाव में, तो फिर 25 दिसंबर के बाद से शुक्र जो है व्यापार में तरक्की दिलाएंगे, आपके धाम आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, प्रेम प्रसंगों में अच्छा करेंगे, तो साल का एंड होते होते शुक्र आपको बहुत ज़बरदस्त धन धान्य सुख और दाम्पत्य जीवन में अच्छा और व्यापार में अच्छा तरक्की करते जाएंगे। तो ये रहा पूरी साल का शुक्र का एंड तक। लेकिन इधर जो है सूर्य मंगल बुध का क्या होगा भाई, देखिए सूर्य मंगल बुध तो अभी लग्न में है, लेकिन अब देखिए सूर्य जो है 16 दिसंबर को यहाँ से निकल के आ जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि कहाँ है, धन भाव में है, तो धन भाव में सूर्य आ गए भाई, तो धन भाव में तो हर ग्रह धन ही देगा, धन भाव तो धन भाव में लाभ भाव में धन ही मिलता है, तो सूर्य फिर देखिए 16 दिसंबर से आकर धन देंगे। लेकिन देखिए बुध, हाँ बुध भी जो है 27 नवंबर को यहाँ आएंगे, पहले सूर्य तो 16 दिसंबर को आएंगे पर बुध पहले निकल के आ जाएंगे, जैसे बुध वृश्चिक राशि में भी पहले आए थे 6 तारीख को, और यहाँ से 27 नवंबर को निकल के धनु राशि में आ जाएंगे। बुध व्यापार के कारक, बुद्धि विकास के, बुध के बुद्धि के द्वारा किए गए कार्यों में सफलता, और देखिए आपके जो कुटुंब के परिवार के लोग हैं सब प्रसन्न रहेंगे आपसे, और बुद्धि का आप इस्तेमाल करके ऐसा काम करेंगे जो सब परिवार के लोग खुश रहें। तो धन में बुध तो पहले तो बुध धन देंगे 27
नवंबर से आकर के, और उसके बाद फिर देखिए आप सूर्य आएंगे 16 दिसंबर को, और सूर्य का आते 16 दिसंबर से 27 यहाँ पर बुध रहेंगे देखिए 28 दिसंबर तक, तो सूर्य आएंगे 16 दिसंबर को, तो 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यानी करीब 12 दिन बुध आदित्य राजयोग बनेगा धन भाव में। तो बुध आदित्य राजयोग के धन भाव में बनने से धन की खूब धन आएगा, यानी वृश्चिक राशि को बहुत धन मिलेगा भाई, धन में कोई कमी नहीं रहेगी। और 28 दिसंबर को बुध वापस बकरी अवस्था में वापस वृश्चिक राशि में लौट जाएंगे, कहाँ पर, लग्न में। और 28 दिसंबर को ही मंगल वृश्चिक राशि अपना घर छोड़ करके धनु राशि में आ जाएंगे। तो फिर देखिए 28 दिसंबर से 28, 29, 30, 31 चार दिन सूर्य का और मंगल का साथ होगा धन भाव में। तो सूर्य और मंगल दोनों ही धन भाव में भाई, बहुत ज़बरदस्त व्यापार के द्वारा धन दिलाएंगे, सरकारी काम से धन दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य भी सरकारी काम से और मंगल भूमि पुत्र है, भूमि से, भवन से, कहीं से खरीद फरोख से धन दिलाएंगे, मिलिट्री में, पुलिस में, आप में तो वहाँ तनख्वाह बढ़ेगी। तो सूर्य मंगल दोनों ही साल के आखिरी चार दिनों में आपको बहुत अच्छा खासा लाभ दिला सकते हैं। तो ये रहा देखिए सूर्य का, मंगल का, बुध का, तीनों का ही साल के एंड में आकर के धनु राशि में। हालांकि बुध वापस आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में आके फिर बुध जो है व्यापार को देखेंगे सप्तम भाव को। पहले नवम भाव से धन दिया व्यापार में, तरक्की दिलाई, अब जब 28 तारीख को आ जाएंगे तो लास्ट तीन दिन यहाँ से दिसंबर के 28, 29, 30, 31 चार तीन चार पाँच दिन बुध जो है सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपका फिर व्यापार तरक्की पाएगा, व्यापार में जो निवेश करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। तो भाई ये भी बहुत अच्छा रहा आपका वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये बहुत ही शानदार योग बन रहा है कि सूर्य मंगल बुध शुक्र जो जो ग्रह जल्दी जल्दी स्थान बदलते हैं उनकी वजह से आपको क्या लाभ मिल रहा है, कैसा पैसा मिल रहा है, कैसा धन मिल रहा है। और देखिए बाकी जो बड़े बड़े ग्रह थे उनकी तो चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि वो बता दें आपको फिर दोबारा एक लाइन में कि शनि सुख भाव में बैठ रहे थे चौथे भाव में, तो शनि सुख साधनों का, और देखिए दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में भी तरक्की, और शनि श्रेष्ठ महाप्रोह राजयोग बना रहे हैं सुख भाव में। तो बहुत देखिए मंगल ने बनाया आपका रुचक महापुरुष राजयोग लग्न में, और शनि ने यहाँ बनाया शस महापुरुष राजयोग, और सूर्य ने, बुद्ध ने बुद्ध आदित्य राजयोग बनाया। देखिए तो तीन तीन तो राजयोग हो गए, बुद्ध आदित्य राजयोग, रुचक महापुरुष राजयोग, शस महापुरुष राजयोग, और देखिए राहु भी मैंने बताया आपको, राहु जो है पंचम भाव में बैठ करके शुक्र के साथ मिल करके लाभ भाव में धन दे रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ मंगल का रुचक महापुरुष राजयोग, शनि का शस महापुरुष राजयोग, और बुध आदित्य राजयोग, ये तीनों ही राजयोग, और सूर्य मंगल बुध और शुक्र का सबका संचरण वृश्चिक राशि की जिंदगी में धन धान दे रहा है, सुख दे रहा है, संतान को तरक्की दे रहा है, व्यापार में तरक्की दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये रहा देखिए वृश्चिक राशि के लिए, अब से लेकर 17 नवंबर से लेकर जब सूर्य आ गए वृश्चिक राशि में और मंगल बुध के पास, तब से लेकर 31 दिसंबर तक भाई 31, अब ये मान लीजिए 16 दिसंबर के बाद फिर सूर्य जो है आगे बढ़ जाएंगे कहाँ, क्योंकि एक महीने को रहते रहे तो 16 दिसंबर को सूर्य आए धनु राशि में, तो फिर आगे दिसंबर में तो वहीं रहेंगे, फिर जनवरी में आगे जाएंगे। तो जब तक जो है साल एंड होगा तब तो फिर बुध के साथ अभी बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, बाद में फिर मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर 28 दिसंबर को। तो ये काफ़ी अच्छा संयोग है मतलब सभी ग्रहों का। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे विनती यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में जो चाहें लिखें, नहीं चाहते कुछ लिखना तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों नमस्कार।